मानना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल स्पेस, व्हाट इज नॉर्मल स्पेस या फिर डिफाइन नॉर्मल स्पेस। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था रेगुलर स्पेसेस क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट आर द रेगुलर स्पेसेस। सो बेसिकली देर इज अ जस्ट माइनर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज स्पेसेस। इन दोनों स्पेसेस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, इनके एग्जाम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। सो इसीलिए हम इन दोनों को आज दोनों इकट्ठा डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं, देन हम लोग देखेंगे रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। सो नॉर्मल स्पेस की आपके पास जो डेफिनेशन है, अ स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ नॉर्मल इफ इट सेटिस्फाइज द एक्सियम। उसके लिए ये एक एक्सियम है। ठीक है, एक्सियम आपके पास क्या है, फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स। क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट क्लोज सेट्स होने चाहिए, उनके लिए भी क्या हो आगे, डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए, सच दैट एक में यू चला जाए दूसरे में वी चला जाए। अब देखें रेगुलर स्पेस में क्या आता है, ठीक है, ये आपको क्लियर है ना, कि फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स यू एंड वी, कि हम लोगों ने डिसजॉइंट ओपन सेट के लिए, फॉर एनी कोई भी दो हो, ऐसे कोई भी डिसजॉइंट हो, जरूरी नहीं है हर पेयर के लिए, सिर्फ कोई भी दो हो, फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हम लोग सपोज कर लेते हैं आपके पास यू और वी एक्स के दो क्लोज सेट्स हैं, देयर एग्जिस्ट, इस साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, इस साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स, सपोज कर लेते हैं वो जी और एच एक्स में दो ओपन सेट्स हैं, सच दैट कैसे ओपन सेट्स हैं, कि यू एच जी में कंटेन हो रहा है और वी एच में कंटेन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो डिसजॉइंट्स का लफ्ज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई है। ठीक हो गया, ये देखिए डिसजॉइंट्स क्लोज सेट्स U एंड V दोनों के इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, फाई होनी चाहिए। G और H भी क्या है, डिसजॉइंट ओपन सेट है, दोनों के इंटरसेक्शन भी क्या होनी चाहिए, फाई होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो, एक ओपन सेट में U चला जाए दूसरे ओपन सेट में V कंटेन हो। अब रेगुलर स्पेस क्या कहती है, अ स्पेस X इज सेट टू बी अ रेगुलर इफ इट सेटिस्फाइज द एक्सियम। वो एक्सियम क्या है, फॉर एनी क्लोज्ड सेट एंड X does not belongs to B। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे था कि दो disjoint closed set होने चाहिए, यहाँ पर है कि एक closed set हो और दूसरा क्या हो आपके पास, एक ऐसा element हो जो closed set में मौजूद ना हो। ठीक है, there exist open sets P, there exist disjoint open sets P and S such that, ये वाला ये वही काम जो इसमें था कि उसमें disjoint open set exist होने चाहिए, सच में एक में element हो और दूसरे में क्या हो, closed set हो। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे है सिर्फ इतना कि इसमें आ जाता है एक क्लोज सेट और एलिमेंट। ठीक है, ये वाला, और इसमें क्या आ जाता है, फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स दो क्लोज सेट होने चाहिए, ये वाले, इसमें दो क्लोज सेट आते हैं, इसमें एक क्लोज सेट और एक एलिमेंट आता है। प्रॉपर्टी दोनों की सेम सेटिस्फाई करवानी होती है कि क्या करना होता है, एक पेयर होना चाहिए ओपन सेट्स का, सच दैट एक में एक हो दूसरे में दूसरा हो, यहाँ पे भी एक पेयर होना चाहिए कि एक में एलिमेंट हो दूसरे में क्लोज सेट हो। तो ये दोनों के माइनर सा डिफरेंस के, अगर दोनों क्लोज सेट्स लें तो फिर वो नॉर्मल स्पेस, अगर एक नॉर्मल क्लोज सेट लें और एक एलिमेंट लें तो वो क्या बन जाती है, रेगुलर स्पेस बन। रेगुलर स्पेस को तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, इसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने की हुई हैं। तो आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, नॉर्मल स्पेस को करेंगे। नॉर्मल स्पेस की अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं, सॉरी डेफिनेशन कर लिए नॉर्मल स्पेस की, हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ आपके पास, ये कोई भी एक्स है ए बी एंड सी, और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी बना लेते हैं फाई एक्स ए ए सी और ए सी। ठीक हो गया, ए सी और ए सी ले लिया हम लोगों ने। चलिए मैं साथ क्या ले लेता हूँ, मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ आपके पास बी सिंगल।
फिर ए बी बी सी भी आना चाहिए, मैं बी सी ले लेता हूँ। लो जी बी सी ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसका क्या देखना है कि आपके पास नॉर्मल स्पेस है या नहीं, ठीक है। नॉर्मल स्पेस के लिए क्या होना चाहिए, दो क्लोज सेट होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिस्ट ऑफ क्लोज सेट्स इसकी लिखा लेता हूँ। लिस्ट ऑफ क्लोज सेट ले ली मैंने, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्लोज सेट जब ली तो फाइव की कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास बी सी आ जाएगा, और सी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और ए सी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी सी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स, कि कोई भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हों जिनके लिए आपके पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट कि एक में एक क्लोज सेट हो दूसरे में दूसरा क्लोज सेट हो, तो हमें सबसे पहले डिसजॉइंट क्लोज सेट्स देखने हैं कौन कौन से हैं। अब देखें, आपको पता है ये दोनों क्लोज सेट्स हैं, ये दोनों आपस में तो डिसजॉइंट हैं ही, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं क्या इनमें से कोई हैं डिसजॉइंट आपस में। अब ये देखें, ये जो बी सी और ये जो ए है ये दोनों आपस में डिसजॉइंट्स हैं, या फिर सिर्फ बी और सिर्फ ए ये भी दोनों आपस में डिसजॉइंट्स हैं। अब हम लोग ये वाला पेयर ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या इन दोनों के लिए आपके पास कोई ओपन सेट है। अब यहां पर देखें, इसमें सिंगलटन ओपन, इसके लिए ये एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया, इसमें ये एक ओपन सेट है जो इसको कंटेन कर रहा है। अब बी के लिए क्या है, बी के लिए अब देखो ये वाला एक ओपन सेट है। अब देखो इन दोनों ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन, लो ये आपस में क्या आती है, फाई आर। मतलब इस पेयर के लिए आपके पास एक पेयर ऐसा मौजूद है, एक पेयर ऐसा मौजूद है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सो दिस का इम्प्लाइज कर गया एक्स इज नॉर्मल, एक्स क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल स्पेस हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास क्या हो, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, ये तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं ना थी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है पावर सेट पूरे का पूरा, तो उसमें सारे के सारे सबसेट्स आ जाते हैं, तो सारे के सारे सबसेट जो रहते हैं वो भी लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, ठीक है, और ए सी लिख लिया हम लोगों ने, ए बी लिख लेते हैं और बी सी, ठीक है, और क्या लिखते हैं, बी सी, ये पावर सेट हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोगों ने देखना है क्या ये भी आपके पास नॉर्मल होता है या नहीं होता, ठीक है। कोई भी नॉर्मल स्पेस आपके डिस्क्रीट टोपोलॉजी नॉर्मल स्पेस होती है या नहीं। अब देखें, इसमें पता है आपको हर एलिमेंट क्या होता है, क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी होता है, ठीक है। हर एलिमेंट क्लोज्ड भी होता है तो ओपन भी होता है, तो यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास एक क्लोज्ड सेट है और ये आपके पास क्या है, एक ओपन सेट है। अब देखें, ये खुद ओपन भी है और क्लोज भी है, और ये फिर क्या हो जाएगा, अपने आप का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये क्या बिहेवियर कर रहा है, क्लोज सेट का, यहां पर ये बिहेवियर किस चीज का शो कर रहा है, ओपन सेट का, कि एक क्लोज नेबरहुड क्लोज, और ये भी क्या लिया आपने, एक क्लोज लिया, और यहां पर यह क्या ले लिया आपने, ओपन ले लिया। अब देखें, ये जो क्लोज्ड का पेयर लिया था, डिसजॉइंट्स क्लोज लिए थे, क्लोज्ड सेट डिसजॉइंट से ना, ये वाले क्लोज्ड सेट, और उन्हीं के लिए ये इटसेल्फ ही आपके पास पेयर है जो ओपन सेट का था, जिनकी इंटरसेक्शन भी फाइव थी, और वो क्या करते थे, एक क्लोज सेट्स को ये कंटेन कर रहा था, दूसरे क्लोज सेट्स को ये कंटेन कर रहा था। सो आपके पास क्या हो गया कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो आपके पास नॉर्मल होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, नॉर्मल होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज नॉर्मल। अब एक और चीज है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या नॉर्मल होती है या नहीं होती। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का आपको पता है क्या होती है, जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हो, जिसकी टोपोलॉजी में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो,
सिर्फ दो एलिमेंट्स हों, क्या वो नॉर्मल होगी या नहीं होगी। ठीक हो गया। आपके पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, अब देखें इसमें लिस्ट ऑफ क्लोज सेट्स, फाइव का एक कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव आ गया। अब ये देखें यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए था, एक डिसजॉइंट ओपन सेट क्लोज सेट्स, ये डिसजॉइंट है क्लोज सेट आपस में, ठीक है, आर डिसजॉइंट्स। अब आपके पास सिर्फ दो ही ओपन सेट हैं जो डिसजॉइंट्स हैं, तो देखें एक्स एक्स को कंटेन कर गया और फाइव फाइव को कंटेन कर गया, इसका मतलब है जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज नॉर्मल। जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी वो भी आपके पास क्या हो गई है, नॉर्मल हो गई है। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल जिसमें ये नॉर्मल स्पेसेस प्ले करती हैं वो होती हैं टी फोर स्पेसेस, ठीक है, अ स्पेस नॉर्मल स्पेस जिसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन क्या है, स्पेस एक्स इज सेट टू बी नॉर्मल इफ इट इज सॉरी नॉर्मल स्पेस कह दिया, यहां पे आना था टी थ्री स्पेस, टी फोर स्पेस, ठीक है। अ स्पेस इज सेट टू बी अ टी फोर स्पेस या फिर टी फोर एक्सियम इफ इट इज नॉर्मल एंड टी वन स्पेस, अगर कोई स्पेस टी नॉर्मल भी हो जाए और टी वन भी हो जाए हम लोग उसको कहते हैं टी फोर स्पेस। सो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने टी थ्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो टी थ्री स्पेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी स्पेस आपके पास क्या हो जाए, रेगुलर प्लस क्या हो आपके पास T1 स्पेस हो जाए तो हम लोग उस स्पेस को कह देते हैं वो T3 स्पेस। अब देखिए T3 और T4 में भी माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि अगर कोई स्पेस नॉर्मल हो जाए और T1 हो तो वो क्या बन जाती है T4, अगर कोई स्पेस रेगुलर हो जाए और T1 हो जाए इसका क्या मतलब है वो क्या हो जाती है T3। अब देखें यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, नॉर्मल रेगुलर और नॉर्मल का, कि अगर रेगुलर प्लस टी वन होगी तो थ्री थ्री, अगर टी वन के साथ वो नॉर्मल हो जाती है तो वो टी फोर हो जाती है। अब यहाँ से हम लोग अब देखें इन दोनों स्पेसेस को नाम डिफरेंट है, इसका मतलब है कि हर नॉर्मल स्पेस रेगुलर नहीं हो सकती, ठीक है, इसका मतलब है रेगुलर और नॉर्मल स्पेसेस ये दोनों डिफरेंट स्पेसेस हैं, ठीक है। इन लोगों जो मैंने आपको अभी माइनस तक लेक्चर्स में स्टार्ट में भी बताया था कि इन दोनों में जो डिफरेंस था वो उसी डिफरेंस की वजह से इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, ठीक हो गया। सो आपके पास T4 हम लोगों ने आज पढ़नी थी, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने T4 की डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी स्पेस अगर नॉर्मल और T1 हो तो वो आपके पास T4 कहलाती है। नॉर्मल स्पेस को हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका कंपैरिजन भी किया रेगुलर स्पेसेस के साथ, ठीक है। सो अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे।